हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर मुख्यालय रिकांगपियो में मंगलवार को कांग्रेस ने काले झंडे दिखाकर भाजपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होने पर पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धरना प्रदर्शन करने से रोका, तो इस पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के मध्य खूब नोकझोंक दिखाई दी। किन्नौर जिला के मुख्यालय रिकांगपियो में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्य बाजार में काले झंडे लहराकर जयराम सरकार के विरोध में जमकर रोष प्रदर्शन किया। पुलिस ने कोड ऑफ कंडक्ट का हवाला देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धरना प्रदर्शन करने से रोकने का पूरा प्रयास किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच खूब झड़प भी हुई। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर मंगलवार को किन्नौर मुख्यालय रिकांगपियो पहुंचने वाले थे। कांग्रेस का आरोप था कि भाजपा शासनकाल में जनजातीय लोगों के साथ भेदभाव हुआ है और कारों का हनन हुआ है, इसलिए वे मुख्यमंत्री के समक्ष काले झंडे निकालकर विरोध दर्ज करना चाहते थे। वहीं किन्नौर कांग्रेस अध्यक्ष उमेश नेगी ने बताया कि भाजपा सरकार में जनजातीय क्षेत्र के साथ भेदभाव किया गया है, इसलिए किन्नौर कांग्रेस ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि मुख्यमंत्री के रिकांगपियो आगमन पर उनके द्वारा काले झंडे दिखाकर नाराजगी दिखाई जाएगी। और हम लोगों ने कई महीनों से ही प्रेस के माध्यम से और कार्यकर्ताओं को सबने सूचित किया था कि जो किन्नौर के साथ अनदेखी हुई है, जो हमारा नोतोड़ बंद किया, हमारा टीडी बंद किया, हमारे एफआरए बंद किया इन्होंने, जयराम की सरकार ने, उसको लेकर के हमने जो है तो यहाँ पर काले झंडे दिखाने का हमारा पहले का प्रोग्राम था, लेकिन कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बहाने जयराम यहाँ नहीं आए। और उसके बाद जो यहाँ की पुलिस प्रशासन है, जो यहाँ का एसपी है और जो यहाँ का एसएचओ है, उसने हमारा माइक छीना, हमारे कार्यकर्ताओं का जो है कार्यकर्ता का मोबाइल छीना, ये कहते हुए कि यहाँ पर कोड ऑफ कंडक्ट लगा है, लेकिन उनके पास कोड ऑफ कंडक्ट लगा है बोल कुछ भी, कोई हमारे पास ना कोई सबूत दिया ना कुछ किया। और जबरन हमारी जो रैली, जो यहाँ पर कम से कम 600-700 लोगों की, सैकड़ों लोगों की जो रैली थी, उसको बंद करवाने का जबरदस्ती उन्होंने जो है तो इस पर दबाव डाल करके बंद कराने का दबाव उन्होंने डाला। और उस बीच में हमारे डीसी साहब आए और उन्होंने कहा, उन्होंने हमारा मोबाइल और माइक वापस देने की बात की है। और प्रशासन पुलिस वाले ये कहते हैं, जो उनका एसएचओ था वो कहता है कि जो है तो ये माइक जो है तो नहीं लगा सकते हैं, ये छोटा माइक था हमारा पोर्टेबल माइक, इसके लिए कोई किसी की परमिशन लेने की जरूरत होती नहीं। वहीं डीसी किन्नौर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि लोगों को प्रदर्शन से रोकने का प्रयास किया गया और उन्हें समझाया गया कि कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन उनके द्वारा किया जा रहा है, इसलिए वे प्रदर्शन ना करें। सिटी चैनल के लिए किन्नौर से विशेषज्ञ नेगी की रिपोर्ट।